और पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ सीधे सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। पीयूष, कितनी देर में ये सुनवाई होगी? कुमार कुंदन भी हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ेंगे। जिस गफूर बस्ती को गिराने की बात सामने आई, नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। पीयूष बताएंगे कि कितनी देर में सुनवाई शुरू होगी। पीयूष, देखिए ये सुनवाई करीब 1 बजे के आसपास होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको मध्य में रखा है सुनवाई के लिए। दोपहर में ये सुनवाई इस मामले पर होगी। जहां तक याचिकाओं का सवाल है, इस मामले पर 2 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं अभी तक। और सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जनवरी 2022 में भी पहले एक बार सुनवाई कर चुका है। तब उसने हाईकोर्ट को ही दोबारा से इस मामले पर सुनवाई करने के लिए कहा था। तब वहां हल्द्वानी के लोग यहां पर आए थे और उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट इस मामले पर हमें पूरी तरह से सुन नहीं रहा। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं हैं, उनमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि वहां पर जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं वो भी हैं, यानी कि स्कूल भी हैं, बैंक भी हैं और सामुदायिक केंद्र भी हैं। इसके अलावा ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि जमीन के सभी, ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जो मालिक हैं उनके दस्तावेज भी हैं और वो टैक्स भी देते हैं। ऐसी कई अहम जो तथ्य हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर दोपहर में, यानी कि करीब 1 बजे के आसपास सुनवाई करेगा। ठीक है पीयूष, हल्द्वानी का सीधे रुख करते हैं। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, लोगों का क्या कहना है और किस आधार पर वो ये मांग कर रहे हैं कि हाईकोर्ट का फैसला रद्द होना चाहिए और इस इलाके में बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, अवैध अतिक्रमण वो मानने के लिए तैयार नहीं है, आधार क्या है? देखिए समीर, आशियाने पे आफत है और इसलिए लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। लोगों के कई सारे आधार हैं। मसलन अगर हम ये देखिए, सबसे पहले तो आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा जिसमें महिलाएं और बच्चे, दुआओं का दौर जारी है यहाँ पे और सारे दुआएं कर रहे हैं कि फैसला उनके हक में हो। एक तरफ ये लोग सड़क पर बैठे हैं, दूसरी तरफ वो मकान है जिन मकानों पर आफत आई हुई है कि उसको बुलडोज होना है, और तीसरी तरफ एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाऊंगा जिसमें कि उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग की तरफ से एक यहाँ पे शिला पट्टिका लगाई गई है और जिसमें कि ये इंटर कॉलेज जो हमारे सामने में आप देख रहे हैं, ये इंटर कॉलेज बना हुआ है। अब बताइए, सरकारी संपत्ति इस इलाके में बनी हुई है, स्कूल है, कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, इसके अलावा पानी टंकी है, सब कुछ है, वो हर बुनियादी सुविधा है जो किसी भी मोहल्ले में होती है। लोग टैक्स दे रहे हैं, इसके बावजूद भी लगता है कि उनके आशियाने पे आफत है। छोटे बच्चे हैं समीर, मैं पहले उनसे आपकी बात करवाना चाहूँगा। बाबू, क्या लगता है आप लोगों को? हमारा घर बच जाए, हमारा देश बच जाए, हाँ। पूरी हल्द्वानी बच जाए, हाँ। और यहाँ पे सब लोग रहते हैं, इतनी महफिल जमे हुई है, औरतें आदमी सब रहेंगे यहाँ पे बैठे हुए। यहाँ पे अगर घर टूट गया और ये जगह टूट गई तो यहाँ पे कहाँ जाएंगे, कहाँ लोग रहेंगे सारे? आप पढ़ते हैं जी? कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मैं मदरसे में पढ़ता हूँ, मदरसा तालीमुल इस्लाम। अच्छा, वो भी टूटने वाला है जी? अच्छा, आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी? नहीं, हमें नहीं लगता। कुमार, एक एक बहुत कॉमन सवाल, एक बहुत ही सामान्य प्रश्न इसमें यह उठ रहा है कि रेलवे की तरफ से, जो चूंकि ये जमीन रेलवे की बताई जा रही है, क्या इतने सालों तक रेलवे की तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं किया गया? या रेलवे विभाग भी अपनी जमीन के लिए इतने सालों बाद जगह, जबकि वहां पर लोकल जो बॉडीज हैं वो टैक्स वसूलने लगी और वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ सरकारी तंत्र भी वहां पर विकसित कर ली, क्या रेलवे इतने सालों बाद नींद से जगा है? देखिए रवि, रेलवे की जहाँ तक बात है तो यहाँ पास में गोयला रिवर है, वहाँ पे एक पिलर गिर गया। पिलर गिरने के बाद जब जांच कमेटी बैठी तो उसमें इस तरह के मामले सामने आए कि अवैध खनन की वजह से ये पिलर गिरा है। और जब अदालत ने पूछा ये अवैध खनन किसकी तरफ से हुआ है तो बताया गया कि बगल के इलाके के जो लोग रहते हैं, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, उन लोगों ने अवैध खनन किया, ऐसा आरोप है। और उसके बाद ही सारी राम कहानी शुरू हुई और तब पता करने की कोशिश की गई कि कौन है, कहां से है। तब जाके रेलवे को समझ में आई कि ये तो मेरी जमीन है और इसमें तकरीबन 4,500 परिवार ऐसे हैं जो बसे हुए हैं। और 1884 का हल्द्वानी रेलवे स्टेशन है, यहाँ पटरी बिछाने का काम उस समय शुरू हुआ था और उस समय से लेकर अब तक सारे लोग शांत थे, सारे लोग चुप थे। बिल्कुल कुमार कुंदन, बहुत पुराना ये मामला है जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट पर हर किसी की निगाहें जमी हुई हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला इस पूरे मामले को देखते हुए लेता है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।